हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का हमारा यूट्यूब चैनल मम्मी की रसोई में। तो चलिए आज हम बनाने जा रहे हैं करवा चौथ स्पेशल कुछ डिशेज। तो आज का हमारा पहला डिश है मैदे की पुआ, जिसे बनाने के लिए हम दो कटोरी मैदा लेंगे। देखिए, तो दो कटोरी मैदा लिए हैं तो हम एक कटोरी चीनी डालेंगे। यदि आप कप से मैदा डाल रहे हैं या किसी भी चीज़ से मेजर कर लीजिएगा, आप दो कटोरी मैदा लीजिएगा या दो कप मैदा लीजिएगा तो एक कप चीनी जरूर डालिएगा। अब इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, उसके बाद इसमें हम पानी डालेंगे। देखिए मैदे की पुआ बना रहे हैं हम। इसका एकदम गाढ़ा बैटर हम बनाएंगे। ये देखिए, हमें इतना ही गाढ़ा बैटर चाहिए, न इससे ज़्यादा पतला न इससे ज़्यादा गाढ़ा, एकदम ही हमारा पुआ बनाने के लिए परफेक्ट बैटर है। तो देखिए, हम एक पैन ले लिए हैं, इसमें तेल रख दिए हैं, तेल हमारा गर्म हो चुका। अब इसमें हम अब जितना बड़ा छोटा पुआ बनाना चाहें थोड़ा सा बैटर लेंगे और इसमें हम डाल देंगे। एक साथ हम दो तीन पुआ बना सकते हैं। देखिए कितना अच्छा हमारा पुआ बन रहा है। इसे हम पलट दिए हैं, अब थोड़ा देर और सेक लेंगे मीडियम फ्लेम पे ही गैस रख के। देखिए हमारा पुआ बन के तैयार हो चुका, कितना अच्छा बना है। इसी तरह सभी पुए को हम गोल्डन ब्राउन होने तक तल लेंगे। देखिए हमारा मैदे की पुआ बनके तैयार हो चुका, यह बहुत ही आसानी से बन जाता है और खाने में बहुत ही यम्मी लगती है। करवा चौथ में पुआ तो जरूर ही बनाया जाता है, तो आप जरूर हमारे मैदे का पुआ को वीडियो देख करके आप भी बनाइएगा, आपका पुआ बहुत अच्छा बनेगा। तो चलिए हम अपने दूसरी रेसिपी की ओर बढ़ते हैं, तो है पकौड़े वाली कढ़ी। पकौड़े वाली कढ़ी बनाने के लिए ये देखिए, हम दो कटोरी हम यहाँ पे बेसन ले रहे हैं। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे मिक्स करेंगे। जब भी आप पकौड़े बनाएं हाथ से ही बेसन को मिक्स करें, क्योंकि हाथ से बेसन फेंटने से बहुत अच्छा पकौड़े होते हैं कढ़ी वाले। हम हाथ से ही फेंट रहे हैं। पानी ज़्यादा हम नहीं डालेंगे। ये देखिए बेसन को फेंटते हुए हमको एक मिनट हो चुका। ये देखिए कितना अच्छा हो गया है, एकदम स्मूदी स्मूदी। अब इसको चेक करने के लिए हम यहाँ एक कटोरी पानी लिए हैं कि हमारा ये बेटर परफेक्ट है या नहीं पकौड़े के लिए। ये देखिए पानी में ऊपर आ जाता है, इसका मतलब कढ़ी के पकौड़े के लिए हमारा ये बेटर एकदम परफेक्ट है। ये देखिए कढ़ी के पकौड़े के लिए हमारा ये बेटर कितना परफेक्ट बना है। जो कटोरी में पानी रख के हम ये बेटर डालें, एकदम ऊपर आ गया। देखिए एकदम ही नीचे जाएगा ही नहीं, देखिए फिर से ऊपर आ गया। इसका मतलब हमारा ये बेटर बहुत ही बढ़िया बना है। देखिए हम इसमें हाफ टी स्पून नमक डालेंगे, नमक आप अपने स्वादानुसार डाल लीजिएगा। इसमें हम 1/4 टी स्पून हल्दी पाउडर डालेंगे। इसमें हम 2 से 3 हरी मिर्च डालेंगे और थोड़ा सा धनिया का पत्ती डालेंगे। हम करवा चौथ स्पेशल बना रहे हैं इसलिए इसमें लहसुन प्याज नहीं डालेंगे और 1 टेबल स्पून जीरा डालेंगे और सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। यहाँ पर हम एक पैन लिए हैं, उसमें तेल रख दिए हैं, हमारा तेल गर्म हो चुका है। अब उसमें हम पकौड़ी तल देंगे। आप हाथ से डालना चाहते हैं तो हाथ से डाल लीजिएगा, यदि चम्मच से डालना चाहते हैं तो आप उससे भी डाल सकते हैं। ये देखिए इसी तरह चला चला के हम
सभी पकौड़ों को तल लेंगे। कितना अच्छा फुला फुला हुआ है ना ये मेरी कढ़ी वाली पकौड़े, देख सकते हैं आप। देखिए हम सभी पकौड़ों को ऐसे निकाल लेंगे और एक बाउल में हम पानी लेंगे। देखिए हम यहाँ बाउल में पानी लिए हैं, ये नॉर्मल पानी है जो हम लोग पीते हैं। अब इस पकौड़ों को हम इसी में डाल देंगे ताकि पकौड़ा मेरा जब कढ़ी में जाए तो एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाए, ना तो अक्सर कढ़ी वाले पकौड़े सख्त हो जाते हैं, सॉफ्ट नहीं होते हैं। ये हमारा स्पेशल ट्रिक है। ये देखिए हम सभी पकौड़े तल लिए। आप जितना पकौड़े कढ़ी में डालना है उतना ही पानी में डालिएगा, और जो नहीं डालना है आप ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी खाने में ये बहुत ही अच्छा लगता है। सूखा इसको रख लीजिएगा। तो ये पकौड़े हम सूखा रख रहे हैं और जितना कढ़ी में डालना है उसको हम पानी में डाल दिए। ये देखिए पकौड़ी तो हम बना ही लिए हैं। अब पकौड़ी वाली कढ़ी बनाने के लिए एक बाउल लिए हैं, उसमें हम डालेंगे हाफ कटोरी बेसन। बेसन हम ज़्यादा नहीं डालेंगे, यह बहुत जल्दी गाढ़ा हो जाता है। और हाफ टी स्पून नमक डालेंगे, नमक आप अपने स्वादानुसार डालिएगा। और 1/4 टी स्पून हल्दी। इसमें हम पानी डाल के एकदम इसका हम पतला घोल तैयार कर लेंगे, एकदम पतला। अब इसमें हम 2 से 3 टेबलस्पून तेल डालेंगे। कढ़ी में ज़्यादा तेल नहीं लगता इसलिए हम ज़्यादा तेल इसमें नहीं डालेंगे। कढ़ाई हमारा गर्म हो चुका है, इसमें 2 से 3 टेबलस्पून हम सरसों का तेल डाले हैं। अब इसमें हम 2 से 3 तेजपत्ता डाल देंगे और 1 टीस्पून जीरा। देखिए जीरा हमारा चटकने लगा। अब इसमें हम डालेंगे लाल मिर्च सूखी हुई है, ये हम 3 लिए हैं। अब जो हम घोल के रखे थे कढ़ी के लिए उसको हम कढ़ाई में डाल देंगे। गैस को हाई फ्लेम पर रख के इसे हम पकाएंगे चला चला करके, इसे चलाते रहें क्योंकि बेसन की है कढ़ी बहुत जल्दी ठीक हो जाती है, इसलिए इसे हम हमेशा चलाते रहेंगे। हमारे कढ़ी में कितना अच्छा उबाल आ चुका है, ये देखिए कितना पतला हम इसका घोल तैयार किए थे और कितना अच्छा गाढ़ा गाढ़ा हो चुका, एकदम ठीक हो रहा है। इससे ज़्यादा ठीक मुझे नहीं चाहिए। ये देखिए ये जो हम कढ़ी वाले पकौड़े बना के रखे थे वो देखिए साइज में कितना अच्छा 2 गुना हो चुका। कितने छोटे छोटे थे पकौड़े, अभी कितने बड़े बड़े हो गए हैं। अब इसमें हम सभी पकौड़े को इस कढ़ी में हम डाल देंगे। आज की हमारी तीसरी डिश है मैदे की मसाले वाली पूरी। तो मसाले वाली पूरी बनाने के लिए हम यहाँ 1/2 टीस्पून काला जीरा लिए हैं, इसमें डाल देंगे। और 1/2 टीस्पून अजवाइन और 1/2 टीस्पून इसमें हम नमक डालेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें घी डालेंगे। सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एकदम सॉफ्ट डो बना करके तैयार कर लेंगे। ये देखिए हमारा डो कितना बढ़िया एकदम नरम गूंथ के तैयार कर लिए हैं, कितना अच्छा हो गया है। अब इसे हम छोटी छोटी लोई बना लेंगे। ये देखिए सब पूरी ऐसे ही बेल लेंगे। देखिए कितनी अच्छी हमारी पूड़ियाँ फूल रही है, देखते हैं।
ये देखिए सारी पूड़ियाँ हम तल लिए, कितनी अच्छा हुआ है ना। वाव कितनी कितना सुंदर दिख रहा है ना, कितना फुली फुली पूड़ियाँ बनी है। यह बहुत ही खाने में यम्मी लगता है, आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं। हमारे चौथा रेसिपी है चावल। ये देखिए हम 500 ग्राम चावल लिए हैं, इसे धो के अच्छे तरह रख लिए हैं। चावल तो सभी बनाना जानते हैं, लेकिन करवा चौथ में बनाई जाती है पकौड़े वाली कढ़ी के साथ, प्लेन चावल ही खाया जाता है, इसीलिए मैं आपको बना कर बता रही हूँ। देखिए चावल हम कुकर में डाल दिए, अब जितना चावल डालेंगे उससे एक इंच ज़्यादा हम पानी डाल देंगे। देखिए एक इंच ज़्यादा पानी हम डालेंगे, हम अंदाज से पानी लिए थे, शायद परफेक्ट ही होना चाहिए, क्यों देखिए एकदम परफेक्ट। अब इसमें हम एक टीस्पून नमक डाल देंगे, पकौड़े की कड़ी के साथ नमक वाले चावल बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए हमारा चावल कितना अच्छा बना है, देखिए एकदम गीला नहीं हुआ है, परफेक्ट हुआ है। चावल सभी बनाते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए हम एक इसे बाउल में निकाल लेंगे, देखिए एकदम खिला खिला चावल हमारा बना है, कितना अच्छा चावल बना है। कढ़ी के साथ खाने में तो मज़ा ही आ जाएगा, गरम गरम कढ़ी चावल और पकौड़े वाली कढ़ी की तो बात ही निराली होती है। आज की हमारा पांचवा रेसिपी है सब्जी के पकौड़े। तो सब्जी के पकौड़े बनाने के लिए देखिए हम सब्जियां लिए हैं, ये परवल है, ये आलू है, ये बैंगन है और ये केला है। आलू आप लोग सोच रहे हैं कि ऐसे पीला पीला क्यों है, इसे हम हल्का बॉयल किए हैं, इसे हम 80% तक पका लिए हैं, पानी बॉयल करके उसमें नमक और हल्दी डाल के आलू डाल दिए हैं। ये तलने से बहुत अच्छा क्रिस्पी हो जाता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है, अंदर से थोड़ा सा भी कच्चा नहीं रहता है। और उसी में हम परवल डाल दिए हैं, ये भी बॉयल हल्का हो चुका है, जो तलने में एकदम पक जाएगा। तो सब्जी के पकौड़े बनाने के लिए हम एक कटोरी बेसन लिए हैं और हाफ कटोरी हम चावल का आटा ले रहे हैं। यदि आपके पास चावल का आटा हो तो लीजिएगा, नहीं हो तो आप गेहूँ का आटा भी ले सकते हैं। और इसमें हाफ टी स्पून हम काला जीरा डालेंगे और हाफ टी स्पून अजवाइन डालेंगे, इससे हमारा पकौड़े का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और हाफ टी स्पून भुनी हुई जीरा डालेंगे, 1/4 चौथाई काली मिर्च और हाफ टी स्पून हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून हम इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून हम इसमें नमक डालेंगे, नमक आप अपने स्वादानुसार डालिएगा। और इसमें हम पानी डाल करके इसे अच्छा सा एक घोल तैयार कर लेंगे, एकदम गाढ़ी गाढ़ी, ज़्यादा पतला नहीं बनाएंगे। देखिए मिलाते जाएंगे और थोड़ा थोड़ा पानी हम इसमें डालते रहेंगे। देखिए हमारा बैटर बनके तैयार हो चुका, हमें सब्जी के पकौड़े के लिए एकदम ऐसा ही बैटर चाहिए, ना ज़्यादा गाढ़ा ना ज़्यादा पतला। एक ऐसे चेक करके हम देख लेंगे ताकि इसमें चारों तरफ से अच्छा से बैटर बेंडिंग हो रहा है कि नहीं। यहाँ हमारा तेल गर्म हो चुका है, अब इसमें हम एक एक करके ऐसे बेसन में डाल डाल के, देखिए ये हम बैंगन डाल रहे हैं, आलू डालें, परवल है, ऐसे आप जिस सब्जी का पकौड़ा बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। ये हम करवा चौथ स्पेशल बना रहे हैं इसीलिए इसमें लहसुन प्याज नहीं डाले हैं, इसमें डाला भी जाता है। ऐसे ही सभी पकौड़े हम बना लेंगे। देखिए ऐसे पलट पलट के सभी पकौड़े हम तल लेंगे। देखिए हमारे पकौड़े कितना सुंदर ब्राउन कलर का हो गए हैं, अब ये सब पकौड़े हम एक प्लेट में निकाल लेंगे।
इसी तरह हम सभी पकौड़े को तल लेंगे। देखिए हमारे सब्जी के पकौड़े बनके तैयार हो चुके हैं। वाह कितना अच्छा पकौड़े हुए हैं, एकदम क्रिस्पी कुरकुरे एकदम मस्त पकौड़े बने हैं। देखिए देखिए कितने अच्छे पकौड़े बने हैं ना, एकदम ऊपर से कुरकुरे और अंदर से नरम। ऐसे पकौड़े बनाइएगा, बहुत ही यम्मी लगेगा खाने में। आप लोगों का हमारा वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वह प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब करें।